धैर्य पूर्वक चलो, उकताओ मत, जीवन के जीवन बीत जाए तो भी निराशा नहीं। भजन कर रहे हैं, कोई गलत आचरण तो नहीं कर रहे जिसमें हम संशय करें। इससे बढ़कर के बढ़िया कोई काम तो है नहीं। इसलिए अगर ऐसा कोई हमें कार्य दिखाई देता कि भजन से बढ़कर कोई बढ़िया काम, तो इसको रोक करके उसको करके देखते। सबसे बड़ा कार्य, सबसे महामहिम कार्य मनुष्य जीवन का भजन करना है, वो हम कर रहे हैं। प्रभु मिले ना मिले, हम भजन नहीं छोड़ने वाले। बुद्धि को वश में कर लो इस बात के लिए तुम्हें कभी वो विचलित ना करे कि मुझे शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, दिव्य स्वप्न नहीं आते। परमार्थ में प्रभु इसलिए आपको आपके सद्गुणों का अनुभव नहीं होने देते कि आपको अहंकार आ जाए। जैसे जैसे सद्भावना भजन बढ़ता है, वैसे वैसे अपने में हे भाव आता है, मैं कितना नीच हूं, जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। ये प्रभु की कृपा होती है कि अपने में अहंकार ना कर धन्यता आए, और भजन जितना बढ़ाओगे उतने भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं बहुत भजन करता हूँ, जब आपको बात आएगी तो हृदय से आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये सच्चे भजनानंदी का लक्षण है। हम अपनी इंद्रियों की गंदगी साफ करें जो इंद्रिया बार बार गंदे विषयों की तरफ जा रहे हैं, और इसकी सफाई के लिए समर्थ है नाम, नाम निरंतर नाम। भूलिए मत, घाटा मत कीजिए, ये परम धन है, सच्चिदानंदमय। त्रिकाल में भी, महाप्रलय में इस नाम का नाश नहीं होता, ये सुरक्षित रहेगा। आप जहां भी होगे आपके पास रहेगा, ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा। ये आपका बल है, ये नाम ही बल है। वो बड़े अभागी हैं जो इस बल को न रखकर और बल को रखते हैं। पांच मिनट के अपराध में पूरे जीवन के लिए सजा हो जाती है। पांच मिनट के मन के अधीन होने पर ऐसी क्रिया बन जाती है जिसका परिणाम होता है पूरे जीवन के आजीवन कारावास। और अगर ये जन्म नहीं संभाल पाए तो हमें कितना बड़ा दंड मिलेगा, आप यही की बात समझना। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी कोई बात जान नहीं रहा, हमें तो कोई सजा नहीं मिली, हम तो यहां स्थूल कानून है, एक सूक्ष्म अदालत है जिसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। बिना वकील के, बिना गवाही के, बिना किसी कानून के, अपने आप वो आपको सिस्टम पहुंचा देगा उसी दंड पर। उपासक जब साधना करता है, उपासना करता है, तो उसको काम क्रोध की ऐसी चोट लगती है कि घबराता है, उपताहट पैदा होती है, जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, झंझट खत्म हो, क्योंकि आसपास से उसको इतना ताप लगता है विकारों का कि वो सोच ही लेता है जल्दी से भगवत प्राप्ति हो। हाँ, अभी इतने दिन हुए नहीं हुई, पता नहीं इस मंत्र में ताकत है कि नहीं है, इस साधना में, छोड़ो दूसरी पकड़ो, तीसरी पकड़ो, नहीं नहीं ऐसे नहीं चला जाता परमार्थ। ये भगवत मार्ग है, धैर्य पूर्वक चला जाता है। इस मार्ग में निराशा हमें लानी ही नहीं है।